दोस्तों, अगर आप जिम नहीं जाते, आप फिर भी अपने हाथों को चौड़ा करना चाहते हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप घर पर ही एक्सरसाइज करके अपने हाथों को चौड़ा कर सकते हो। मतलब आज मैं वो एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे आपने घर पर ही करनी है। इसके लिए किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके पूरे हाथ चौड़े होंगे, आपकी कलाई, फोरआर्म्स, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, मतलब पूरे हाथों का साइज बढ़ेगा। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ऐसी बोनस एक्सरसाइज जो आपने डेली करनी है। उस एक्सरसाइज से पूरे हाथ तेजी से चौड़े बनते हैं और साथ ही हाथों की ताकत भी बढ़ेगी उस एक्सरसाइज से। और अगर आप आर्म रेसलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए, हाथों को चौड़ा करने के लिए तीनों मसल्स को ट्रेन करना जरूरी है, मतलब कि ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और फोरआर्म्स। तो आज मैं वो तीनों एक्सरसाइज बताऊंगा, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोरआर्म्स को किस तरह से आप घर पर ट्रेन करके बड़ा और चौड़ा कर सकते हो, ताकि आपके हाथ, आपके पूरे हाथ चौड़े दिखें। तो इसमें सबसे पहले हम ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे बाइसेप्स को ट्रेन और लास्ट में करेंगे फोरआर्म्स को। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्राइसेप्स को ट्रेन। एक्सरसाइज नंबर 1, डायमंड पुशअप। दोस्तों, ये एक्सरसाइज ट्राइसेप्स का साइज तेजी से बड़ा करती है। इसमें आपको इस तरह दोनों हाथ मिलाकर रखने हैं डायमंड शेप में। जब नीचे आएं तो एल्बो बॉडी के पास हो, बाहर न निकली हो, और जब ऊपर जाएं तो एल्बो को लॉक करके ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्क्वीज करें। इससे ट्राइसेप्स का साइज तेजी से गेन होता है। इसके 3 सेट लगाएं और हर सेट में जितने रेपिटेशन निकाल सकते हैं निकालें। एक्सरसाइज नंबर 2, इंक्लाइन स्कल क्रशर। दोस्तों, इसमें आपको किसी बेंच पर या किसी भी ऊपर जगह पर हाथ रखकर अपनी कोहनी मोड़कर नीचे जाना है। अपना पूरा ध्यान ट्राइसेप्स पर रखें। जब नीचे जाएं ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें और ऊपर जाएं तो ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्क्वीज करें। इसके भी 3 सेट लगाएं और हर सेट में 10 से 15 रेपिटेशन तक निकालें। एक्सरसाइज नंबर 3, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। दोस्तों, इसमें अपने हाथ सिर के आगे रखें, फिर कोहनी मोड़ते हुए नीचे जाएं, अपनी फोरआर्म्स फ्लोर पर टच करके ऊपर आएं। ऊपर आते समय सारी ताकत ट्राइसेप्स मसल्स की लगाएं। अपना पूरा ध्यान ट्राइसेप्स मसल्स पर लगाएं। इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 10 से 15 रेपिटेशन तक रखें। एक्सरसाइज नंबर 4, इंक्लाइन डायमंड पुशअप। दोस्तों, ये पुशअप भी डायमंड शेप की तरह ही है। बस इसमें आपको अपने हाथ बेंच पर या किसी ऊंची जगह पर रखने हैं। इसमें भी हाथ डायमंड शेप में रखकर पुशअप लगानी है। इसमें भी जब नीचे आए तो ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, ऊपर आकर एल्बो को लॉक करके ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्क्वीज करें। इसके भी 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन 10 से 15 ही रखें। एक्सरसाइज नंबर 5, ट्राइसेप्स केक बैक। दोस्तों, अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप कोई भी पानी की बोतल ले सकते हैं या कुछ भी हैवी चीज, आप ईंट भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नीचे झुक जाएं, पर बैक बिल्कुल सीधी हो। अपने हाथ बॉडी के साथ चिपका के रखें, सिर्फ एल्बो से ही हाथ पीछे करें। जब हाथ पीछे लेके जाएं तो ट्राइसेप्स को फील करें, उसे स्क्वीज करें और फिर आगे आए तो ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इसके भी 3 सेट 10 से 15 रेपिटेशन के लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 6, बेंच डिप्स। दोस्तों, इसमें अपने हाथ किसी बेंच पर या किसी ऊंची जगह पर रखकर बेंच डिप्स लगाएं। अपने हाथ हिप्स के पास ही रखें। इससे ट्राइसेप्स का साइज तेजी से गेन होता है। इसके भी 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन 10 से 15 ही रखें। तो यहीं पे ट्राइसेप्स का वर्कआउट फिनिश होता है। अब हम करेंगे बाइसेप्स का वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1, बाइसेप्स कर्ल। इसमें इस तरह कोई भी हैवी चीज लें, आप बाल्टी, ईंट ले सकते हैं या कोई भी बैग में किताबें डालकर उसे हैवी कर सकते हैं। फिर इस तरह एक एक करके दोनों हाथों से 3-3 सेट निकालें और हर सेट में 10 से 15 रेप तक निकालें। एक्सरसाइज नंबर 2, क्लोज ग्रिप बाइसेप्स कर्ल। इसमें इस तरह बाल्टी को क्लोज पकड़ के बाइसेप्स कर्ल लगाएं। इससे बाइसेप्स का आउटर हेड तेजी से ट्रेन होता है। अगर आपके पास ईंट या डंबल है तो इस तरह ईंट या डंबल मिलाकर बाइसेप्स कर्ल लगाएं, मतलब ईंट या डंबल को आपने मिलाकर पकड़ना है। इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 10 से 15 रेप तक निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, हैमर कर्ल। इसमें बैक को इस तरह न्यूट्रल ग्रिप में पकड़ें। और अगर बाल्टी से कर रहे हैं तो इसमें टॉवल से बाल्टी को इस तरह पकड़ें। इससे भी आउटर बाइसेप्स बड़े बनते हैं। इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 10 से 15 रेप तक निकाल सकते हैं। अब यहीं पे बाइसेप्स का वर्कआउट भी फिनिश होता है। अब इसके बाद हम ट्रेन करेंगे फोरआर्म्स। एक्सरसाइज नंबर 1, सीटेड रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज में आप बार को सीधे हाथ से पकड़ें। अपने हाथ बेंच पर रख सकते हैं या अपने थाइस पर भी रख सकते हैं और अपनी कलाई के सहारे बार को नीचे और ऊपर लेकर जाएं। आप चाहें तो डंबल का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बार या डंबल नहीं है तो आप कोई भी एक 2 या 2.5 फुट का लकड़ी का डंडा या पाइप का टुकड़ा ले सकते हैं और उसमें रस्सी के सहारे कोई ईंट, कोई हैवी चीज या कोई भी वजनदार चीज आप बांध सकते हैं और फिर उसी तरह टेबल पर हाथ रख के इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज फोरआर्म्स फ्लेक्सेस का साइज तेजी से बढ़ाती है। इस एक्सरसाइज के आप 4 सेट लगा सकते हैं और हर सेट में 15-20 रेपिटेशन तक लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 2, सीटेड रिवर्स रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज में आप बार को उल्टे हाथों से पकड़कर अपने हाथ बेंच पर रख लें।
और कलाई को ऊपर नीचे करें। इसमें भी आप चाहें तो डंबल का यूज कर सकते हैं, और आप घर पर ही अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपके पास डंबल बार नहीं है, तो उसी तरह डंडे पर ईंट या कोई भी वेट या कोई भी हैवी चीज लगाकर इसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपके फोर आर्म्स एक्सटेंशन का साइज तेजी से बड़ा करती है। इस एक्सरसाइज के आप 4 सेट लगा सकते हैं और हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशन तक निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 रिस्ट रोलर, ये आपको जिम में भी मिल जाएगा, और अगर आप घर पर ही करते हैं तो उसी तरह एक 2 फुट का डंडा लें, उस पर 1 मीटर की रस्सी बांधकर वजन लगा लें और हाथों को सामने रखकर रस्सी को डंडे पर लपेटें और फिर खोलें। हाथ बिल्कुल सीधे टाइट करके रखें, एल्बो ज्यादा न मुड़ी हो। ये एक्सरसाइज आपके फोर आर्म्स को तेजी से बड़ा करती है। इसमें डंडे पर रस्सी को क्लॉकवाइज लपेटें और फिर एंटी क्लॉकवाइज लपेटें, मतलब पहले क्लॉकवाइज लपेटना है, फिर क्लॉकवाइज खोलना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज लपेटना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज ही खोलना है। तो इस तरह से आप जितनी बार कर सकते हैं करें। दोस्तों एक्सरसाइज ऐसी हैं जिससे आपके फोर आर्म्स का साइज तेजी से बढ़ सकता है। दोस्तों यहीं पे फोर आर्म्स का वर्कआउट भी फिनिश होता है। और दोस्तों अब बारी आती है बोनस एक्सरसाइज की, दोस्तों वो है पुलअप। दोस्तों पुलअप बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये सिर्फ बैक के लिए एक्सरसाइज नहीं है, इससे हाथों का साइज बढ़ता है, खासकर फोर आर्म्स का, हाथों की ताकत बढ़ती है। अगर आप आर्म रेसलिंग करना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज जरूर करें, इससे हाथों का साइज तो बढ़ेगा ही, साथ ही हाथों में ताकत आएगी। अगर आपसे पुलअप नहीं लगती तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है कि आप पहले दिन ये करो, दूसरे दिन ये करो, तो इस तरह से अगर आप उस स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो हफ्ते में आपको वो पुलअप लगानी आ जाएगी। तो इसलिए वो वीडियो जरूर देख लेना कि पुलअप कैसे लगाते हैं। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों पुलअप बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जैसे मैंने बताया कि हाथों की ताकत उससे बढ़ती है। आप कभी पुलअप लगा सकते हैं, कभी आप चिन अप लगा सकते हैं, मतलब हाथों को रिवर्स पकड़ के लगा सकते हैं, कभी आप हाथों को इस तरह पकड़ के लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आपसे ये एक्सरसाइज नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं हो रही है ये एक्सरसाइज, तो आप सिर्फ बार पे लटके रहें, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना लटक सकते हो लटको, उससे भी हाथों की ताकत बढ़ती है, हाथ फोर आर्म्स चौड़े बनते हैं। तो अगर आप लटके रहोगे तो धीरे धीरे आपसे पुलअप लगने भी शुरू हो ही जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके हाथ चौड़े हों, आप जिम नहीं जा सकते, तो घर पर ही इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। आप हफ्ते में 3 दिन ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको फर्क दिखेगा। 2 से 3 महीने में ही आपके हाथ चौड़े हो जाएंगे, आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स फोर आर्म्स बड़े हो जाएंगे, आपके हाथों की ताकत बढ़ेगी। और दोस्तों अगर ये एक दिन में आपसे वर्कआउट नहीं होता तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। जैसे एक दिन आपने ट्राइसेप्स कर लिया और फिर अगले दिन आपने बाइसेप्स और फोर आर्म्स कर लिए, या अगर आप घर पर ही चेस्ट बैक ऐसे वर्कआउट करते हो तो चेस्ट के साथ आपने ट्राइसेप्स कर ली और बैक के साथ आपने बाइसेप्स और फोर आर्म्स कर लिए, मतलब कि इन एक्सरसाइज को आप अलग अलग दिन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये थी वीडियो कि घर पर ही वर्कआउट करके कैसे अपने हाथ जोड़े कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।